बहुत ही खुशी की बात है कि आज फिर से एक नई शुरुआत, एक नई पारी जीने को खेलने को मिला है, जिस फिल्म का नाम है तेरे संग। और बहुत ही कॉमिक लव स्टोरी है, बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस फिल्म को शूटिंग के दौरान। देखा जाए तो दरअसल फिल्म में एक हीरोइन और दो हीरो हैं, जैसा कि लगभग फिल्मों में होता है, लेकिन हमारी फिल्म में हर फिल्मों से बहुत ही यूनिक है। और इस फिल्म में अजय हीरो मैं काम कर रहा हूँ, और इस फिल्म में जो दूसरे हीरो हैं वो गौरव झा जी हैं, और फिल्म की हीरोइन जो हैं वो संजना राज जी हैं, और एक हीरो आपका छोटा भाई। तो आपका और गौरव झा के कैसे कमिटी रहने वाली है? फिल्म की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रहने वाली है, और असल लाइफ में गौरव जी बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और पूरा यकीन है कि बहुत इंजॉय करने वाले हम दोनों साथ में। फिल्म के डायरेक्टर जो है हमारे अरविंद जी हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और बेसिकली तो ये हिंदी से बिलोंग करते हैं, और इनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है ये, तेरे संग इनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है, और कमाल का काम कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं शॉट दे के आ रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग काम है इनका। और प्रोड्यूसर हमारे यश जी हैं, यश शर्मा जी हैं, और बी एन तिवारी जी हैं, और शशि जी हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लॉयल प्रोड्यूसर, और बहुत मतलब कहा जाए तो जान लगा देते पिक्चर में, कोई कमी नहीं छोड़ते। मेरी फिल्मों की बात की जाए तो अभी रिसेंटली में मैंने अजनबी फिल्म कंप्लीट किया है, जो कि पोस्ट वगैरह कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्द ये फिल्म का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, और जल्द ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इसके अलावा अभी मेरी अपकमिंग फिल्म चल रही है, आने वाली फिल्म चल रही है बनारसी छोरा, और अभी रिसेंटली इस फिल्म के तुरंत बाद हम एक और फिल्म की शूटिंग पे जाने वाले हैं, जिसका नाम है रामा रामा रे। और फिल्मी करियर की बात की जाए तो जैसे अभी कलाकार के लिए तो स्ट्रगल है ही, और करना भी है, काम भी करना है, मेहनत भी करना है, बस चल रहा है सब, ऊपर वाले की दुआ है। देखिए आगे तो बहुत अच्छी प्लानिंग है, और भगवान की दुआ से, आप लोगों की कृपा आशीर्वाद से बहुत अच्छी 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 फिल्में लाइनअप हो रही हैं। और जैसा कि तेरे संग, अगर मैं तेरे संग की बात करूं तो मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूं, पारिवारिक, एक सोशल मैसेज हो, जिससे हम जनता को, ऑडियंस को, बड़े बुजुर्गों को, आने वाली पीढ़ियों को हम एक मैसेज दे सकें। इस फिल्म में हमने पूरी कोशिश की है कि पब्लिक को एक अच्छा सा मैसेज जाए। बस मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से आप सभी आर्टिस्टों को, सभी कलाकारों को प्यार और दुलार आशीर्वाद देते, बस इसी तरह अपने भाई, अपने छोटे बेटे, छोटे भाई अतुल सिंह पर भी आशीर्वाद बनाए रखिए, और बस सपोर्ट करिए।